अलहमदल्लात वसलम रसूल्ला व अला आलही वसाब ही वन वाला नाज्रेन खैर मखदम है आपका करीम टी वी उर्दू में मोहम्मद सईद साहब सुल्तानपुर यूपी से सवाल करते हैं कि इस बार अरफा जुमे को आ रहा है तो क्या इस दिन रोज़ा रखा जाएगा या नहीं उनके जहन में यह है कि रसूल रसुल करम सल्ला ने सिर्फ एक दिन जुमे का रोजा रखने की आदत बनाना इससे मना किया है लेकिन अरफा अगर जुमे को पढ़ता है तो जाहिर है कि उस दिन तो रोजा रखा ही जाएगा कि रसूल करम वसल्लम का फरमान है और अरफे के रोजे की जो फजीलत है वो किसी और रोजे की नहीं है लिहाजा जुमे को आए जुमेरात को आए किसी भी दिन आए अरफे का रोजा जरूर रखा जाएगा तो हम अरफे के दिन रोजा रखेंगे उसकी फजीलत हासिल करने के लिए क्योंकि रसूल अक्रम ने अरफे के रोजे की फजीलत बतलाई है उस फजीलत को हासिल करने के लिए अपने गुनाहों की माफी कराने के लिए अपने आप को गुनाहों से पाक साफ करने के लिए अरफे का रोजा जरूर रखेंगे चाहे जुमे को आए रसूल अलैहि सलाम ने जुमे का अरफा अगर पढ़े तो रोजा ना रखें ऐसा नहीं कहा है कोई आदमी सिर्फ जुमे को रोजा रखता है इससे मना किया है इससे मना किया है और वजह उसकी क्या है के बाद रिवायत में जुमे को ईद उस्समू कहा गया कि ये हफ्ते की ईद है और ईद के दिन रोजा रखना मना किया गया लेकिन जब अरफा पड़ जाए जुमे को तो तो रोजा रखा जाएगा क्योंकि रसूल ने अरफे को रोजे के सिलसिले में ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई जैसे रमजान का रोजा जुमे को पढ़ता है तो रखते हैं कि नहीं रखते ऐसे ही अरफे का रोजा इसी तरह से मुहर्रम के जो रोजे होते हैं वो अगर जुमे का दिन पड़े तो रोजा रखते हैं कि नहीं रखते तो अरफे का भी रखेंगे जायज है दुरुस्त है अल्लाह रब्बुल रबुल्जत हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए फिर मिलते हैं असल वरहतल वर्का